सब लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था ना। यस मैम। ज्वालामुखी क्या होता है मैम? ऐसी धरती पे दरार या मुख जिससे क्या क्या निकलता है? लावा, राख, धुआं। रावा, लाख, धुआं, ये सब। ठीक है, तो दो बच्चे जो हैं वो ज्वालामुखी का मॉडल बना कर लाए हैं। ये बड़ा वाला मॉडल सत्यम ने बनाया है और छोटा वाला मॉडल अजीत ने बनाया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों जो हैं किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं। तो हमने इनके अंदर बेकिंग सोडा, ठीक है, वो पहले से डाल दिया है। इनो हम लोग दोनों में पहले से डाल चुके हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है? सिरका, विनेगर, ठीक है, ये हम डालेंगे। और शैम्पू केवल इसलिए लाएँ ताकि वो थोड़ा सा रंग उसका काला हो जाए, ठीक है। तो हर्ष, शैम्पू डालिए थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा उसमें डाल दो। उसमें भी डाल दो। सब लोग अब ध्यान से देखना, ठीक है। चलो सनी, विनेगर उठाओ। चलो पहले बड़े वाले में डालो। ध्यान से देखो, कुछ हुआ नहीं हो रहा है? थोड़ा सा और डाल के देख लो, हुआ कुछ? चलो अच्छा, छोटे वाले में डाल के देखो ये सामान। थोड़ा थोड़ा करके डालना बेटा। अरे 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 अरे, ज्वालामुखी देखो देखो क्या निकल रहा है। मैम लावा ऐसे ही फटता है धरती के अंदर से। हम तो चीज़ डाल रहे हैं लेकिन उसमें डालना नहीं पड़ता है, अपना खुद ही अंदर से। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, धुआं भी निकलता है और राख भी निकलती है। देखो लगातार निकल रहा है ना। तो अच्छा जरा सब लोग एक बात बताइए, इससे निकलता जा रहा है तो ये कैसा ज्वालामुखी हुआ? सक्रिय ज्वालामुखी, वेरी गुड। और दूसरा वाला इतना, वो दूसरा वाला क्या है? मृत्यु ज्वालामुखी, मृत, या तो मृत है, पहले कभी फट चुका है, अब आगे कभी नहीं फटेगा, मर चुका है अब ये एकदम। या तो कौन सा है, एक और थब्बत, सुप्त ज्वालामुखी, वेरी गुड। सुप्त मतलब सो रहा है, लेकिन हो सकता है कि कभी क्या हो, अचानक से फट जाए। तो ज्वालामुखी के तीनों प्रकार समझ में आ गए। और ये मॉडल बहुत प्यारा बनाया, सबसे पहले अजीत, थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा बनाया, और सत्यम के भी बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। ये देखो, ये अभी भी ज्वालामुखी जो है होता ही जा रहा है।